इन बच्चे लोगों के साथ थोड़ा फुटबॉल खेल रहा था। बहुत दिन हो गया फुटबॉल नहीं खेला, और बच्चे लोग खेल रहा था, बातें भी कर रहा था हमारे साथ। तो मैं बोला चलो थोड़ा सा खेल लेता हूँ, तो रिकॉर्डिंग को ऑफ करके थोड़ा सा खेला इन लोगों के साथ। फिलहाल जा रहा हूँ फोर्टेस के ऊपर, यही तो रास्ता है फोर्टेस के लिए। और ये बच्चे लोग बता रहा था कि ये बास्केटबॉल कोर्ट है, बट स्कोर करने का जगह नहीं दिख रहा है हमें। सो हाउ इट कैन बी अ बास्केटबॉल कोर्ट। और ये रहा बास्केटबॉल कोर्ट, और ये रहा चलते चलते रास्ते में पानी। अच्छा खासा बारिश हुआ है दो दिन से, इसीलिए यहाँ पे पानी ऐसे जम गया। कल तो भाई साहब पूरा दिन, मतलब पूरा दिन नहीं, दिन का अच्छा खासा टाइम जितना बारिश हो रहा था, और बारिश के साथ में बर्फ़ भी गिर रहा था। रात के 2 बजे के करीब मैं जब बाहर जा के देखा तो उसमें थोड़ा सा बर्फ़ गाड़ी के ऊपर जम गया था और घर की छादों पर जम गया था। बट उसके बाद में बर्फ़ गिरना बंद हो गया और फिर बारिश स्टार्ट हो गया, तो सारे जितने भी बर्फ़ थे सारे धुल गया पानी में। आ गए हम फोर्टेस के ऊपर। फोर्टेस तो कुछ खास ऐसा कुछ है नहीं, बस एक पार्क टाइप का बना हुआ है यहाँ पे, और ये पार्क तो काफ़ी खूबसूरत है। हाइट रूफ कवर्ड विथ टर्किश टाइल्स। ओके, तो यहाँ पे टोटल ये जो रूम वगैरह उस कोने में आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये पास में ही है, आपको दिखा देता हूँ। ये जो घर वगैरह दिख रहा है ना आपको रूम, ये बना है 1720 से 1723 तक। ये घर गन की जो मैगजीन होता है उनको, या उनका गन पाउडर को स्टोर करने के लिए। और इसको अंदर भी हम जा सकते हैं। ओ भाई साहब अंधेरे में कुछ दिख। हेलो, दिखाता हूँ फिलहाल आपको टॉर्च ऑन करके। ये कुछ ऐसे घर वगैरह है यहाँ पे जो बहुत ही पुराना है, गन पाउडर और एमिनेशन स्टोर करने के लिए इसको बनाया गया था। और ये देखो बाहर भी साइड में भी है, देखता दिखाता हूँ लोगों को। देखो इसको पूरा ही, मतलब ओ यू ओ मैन नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। इट्स ओके, आई थॉट हु कम यो सडनली। ओके, सो ये देखो यहाँ पे लोगों क्या क्या फेंकता है, कुछ उल्टा सीधा काम करता होगा शायद, टॉयलेट वगैरह भी करता है क्या नहीं पता। और यही है चारों तरफ बस एक ऐसे जाने आने का एक राउंड टाइप का है। और 1720 एंड 1723 के बीच में ये पूरा फोर्ट एंड ये जो गन पाउडर स्टोर करने के लिए जो घर वगैरह हैं यहाँ पे, इनको बिल्ड किया गया था। ऐसा है जो रेक्टेंगुलर शेप में शायद यही था। ओके, बाइजेंटाइन पीरियड जो है ना, 5th और 6th सेंचुरी का एक घर नहीं है, एक चार्ज था जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये डिमोलिश्ड हो चुका है अभी। मतलब आप पत्थरों को देख सकते हो जो काफी पुराना है। ये जो ईंटें आपको दिख रहे हैं ना, गौर से देखिए आगे उस तरफ भी है। तो ये जो ईंट है ये 5th-6th सेंचुरी का है, समझ रहे हो कितना पुराना है। और उस टाइम पे लोग किस टाइप के ईंटों से घर बनाता था। ये रहा वो, ये रहा, ये रहा। और उसके ऊपर जो सीमेंट और बाली से जो बनाते हैं, देखो जिस उस टाइम पे लोग कितना मोटा उसका लेयर देता था, फिर उसके ऊपर ये ईंट, फिर उसके ऊपर लेयर, फिर ईंट। यहाँ पे तो हालांकि पत्थर है और इसके नीचे कुछ ईंट और है, और यहाँ पे भी कुछ सेम सीन ऐसा ही है, ईंटें वगैरह है, इतना पतला ईंट, उससे ज़्यादा मोटा सीमेंट और बाली की जो मिक्सचर है वो। और ये बिल्डिंग कुछ ऐसा है, हालांकि हम अंदर तो नहीं जा सकते,
ये बंद है, काफ़ी पुराना है। सिर्फ ईंटों से कैसे इसको बनाया गया था। तो आपको एक और डिफरेंस दिखाता हूँ, ये रहा आज के ज़माने का ईंटें और ये बाली और सीमेंट की मिक्सर कितना परिमाण में दिया जाता है और ईंट का साइज़। ये रहा आज के ज़माने का, और वहाँ पे मैंने जो आपको दिखाया वो था 6th and 7th century का था। समझ में नहीं आ रहा है क्या है ये एक्चुअली। ये रहा पार्क कुछ ऐसा, और ये जो आगे आपको घर दिख रहा है ना, जहाँ से थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एक्चुअली कुछ 1946 में कुछ पपेट म्यूजियम टाइप का था चिल्ड्रंस के लिए। सर ये कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जब निशफोर्टिस में आर्कियोलॉजिकल काम कर रहा था तब उन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया था। हालांकि ये तो अभी मिट्टी से कवर हो चुका है, बट जैसे कि आपको मैंने फोटो में दिखा था, तो ये उस 6th and 7th century का स्ट्रीट हुआ करता था ये जगह। यहाँ पे कुछ बड़ा बड़ा पत्थर वगैरह है जो उस ज़माने में रास्ता कैसा था वो दिखाता है हमें। देखो भाई साहब, ये जो गेट दिख रहा है ना, ये तो वर्ल्ड वॉर टू के पहले का है। और यहाँ के बारे में जो ये जो खोद के निकाला गया है बाहर, और ये देखो जैसे कि मैंने अंदर घुस के आपको दिखा था ना एक घर जहाँ पे गन पाउडर वगैरह स्टोर किया जाता था, तो आपको जो आगे बड़ा घर दिख रहा है उसके आगे राइट साइड में देखो एक जो दिख रहा है आपको वही है। एंड यहाँ पर ये रहा मेन गेट था, एक द विडन गेट नाम है इसका, जो इसके बारे में तो स्टडी किया गया है लेकिन उतना कुछ इसके बारे में अभी तक स्टडी कंप्लीटेड ही नहीं हुआ, और इसके बारे में कुछ खास नहीं, मतलब कुछ रिपोर्ट है ही नहीं।